मेरा नाम है सुनील खान, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। बोर्ड एग्जाम आने वाला है, दो ही चार दिन बचा है, ठीक है। तो उसको हम एकदम टारगेट करके आज जो भी उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी है, जो भी रणनीति है बनाएंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका जो एग्जाम है 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और सीबीएसई का सर 25-26 दोनों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेटजी अंतर होगा, इसलिए हम टारगेट करके यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्योंकि 4 दिन बचा हुआ है ना। तो एक चीज देखिए, ये वीडियो देखने से पहले आपको क्या क्या धारणा चाहिए। पहला, आपको नॉर्मली कुछ ना कुछ सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, बस रिवीजन आपको करना, ठीक। दूसरा चीज ये कि आप ये मतलब सर्च कर रहे हैं तो रीड लिखे कैसे, या फिर प्रेजेंटेशन, या फिर प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, कि एग्जाम में कैसे हम प्रेजेंट करें, कैसे लिखे कि अच्छा मार्क्स मिले, ठीक है। और भी बहुत सारे बातों को हम ध्यान रखेंगे कि गैप कितना है दो पेपर के बीच में, तो उस पेपर के बीच में हम क्या करें। मान लीजिए कोई पेपर तैयार है ऑलरेडी, तो उसके लिए क्या करें, जो कम तैयार है उसके लिए क्या करें, सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बोर्ड में मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो ज्यादा लिखना सही नहीं है, ठीक है। चलिए आइए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन क्या है, मैथ है और साइंस है, ठीक। सोशल साइंस को भी मैं काउंट कर रहा हूँ क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा क्या है, बड़ा है। तो ये जो मैथ है, हम डेली मैथ लगाते हैं, जो भी स्टूडेंट है विद्यार्थी 10th के, सारे लोग क्या करते हैं, डेली मैथ लगाते हैं, डेली अगर डेढ़ घंटा हम मैथ लगाते हैं, है ना। इस समय तो बढ़ गया होगा, तो मैथ मान के चलिए तैयार होगा, करना होगा बस रिवीजन, ठीक है। साइंस के लिए भी अगर मैं बोल दूं तो साइंस भी काफी हद तक तैयार होगा, क्योंकि डेली हम साइंस नहीं पढ़ते हैं, अक्सर ऐसा होता है, हफ्ते में अगर 7 दिन है तो 4 ही दिन 5 ही दिन साइंस पढ़ते हैं, है ना। तो ये भी मैं मान के चल रहा हूँ तैयार होगा लगभग, नहीं तैयार होगा तो कैसे तैयार करेंगे हम लोग देखेंगे, ओके। अब देखिए, सोशल साइंस ये जो है ना थोड़ा सा लंबा सिलेबस है, इसमें क्या करना होगा, आपको रीडिंग की हैबिट यानी कहानी की तरह सारा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए, तो उस मान के चलने के लिए भी आपको तैयार हो गया होगा। बाकी बचा हिंदी इंग्लिश, है ना, तो ये तो आपको पता है लिटरेचर है, बाकी जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, याद करने नहीं पड़ता, लिटरेचर में याद करना पड़ता है, खैर वो कहानी की तरह तैयार कर लेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। अच्छा, ये जो है इस पेपर के लिए बहुत कम लोग पढ़ते हैं, खासकर यूपी बोर्ड में कला के लिए, जिनको कला आता है ना, उनका तो कोई चिंता ही नहीं है। जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बता दूं कि ज्यादा गौरव की बात नहीं है, नंबर अच्छे नहीं जाते हैं, है ना। तो अब आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए 24 मार्च को एग्जाम है आपका, ठीक, तो गैप कितना है, लगभग 2-4 दिन का है। अब देखिए, मान लीजिए आपका पहला पेपर अगर हिंदी है और ये तैयार है, तो इस टाइम आप ये मत तैयार कीजिए, कोई और सब्जेक्ट तैयार कीजिए जैसे साइंस, ये तो आप डेली लगाते होंगे 1.5 घंटा, कुछ याद करना है नहीं, प्रैक्टिस से ये बस। तो मान लीजिए आपका हिंदी तैयार है, नहीं तैयार तो उसको तैयार कर लीजिए, और 2-4 दिन बच रहा है हिंदी के पहले, तो हिंदी का पेपर 24 मार्च को है, तो उसके 1 दिन पहले तक क्या कीजिए, कोई और सब्जेक्ट पढ़िए, जैसे साइंस अगर नहीं तैयार है तो उसको तैयार कर लीजिए, ठीक। और जो ही 23 तारीख है, 23 तारीख को आप सिर्फ क्या कीजिए, हिंदी का रिविजन कीजिए, मतलब अगले दिन पेपर है तो खूब मन लगा रिविजन कीजिए, है ना। जितना रिविजन कर सकते हैं, जितना बढ़िया से कंटेस्ट कर सकते हैं, जितना बढ़िया से लर्न कर सकते हैं, आप लर्न करेंगे, ओके। ऐसे ही मान लीजिए अगला पेपर अगर 28 को है या फिर 30 को है, 30 मार्च को, ठीक, तो 24 से आपके बीच में ये जो 4 दिन 2 दिन का जो गैप मिल रहा है, अगर वो वाला पेपर नहीं तैयार है, मान लीजिए जो 18 तारीख को है वो वाला पेपर नहीं तैयार है, तो आप क्या करें, अगर 28 तारीख वाला जो पेपर अगर आपको नहीं तैयार है तो आप क्या करें, उसको पढ़े। लेकिन अगर वो तैयार है तो उसके 1 दिन पहले तक, मान लीजिए 28 को पेपर है, तो 27 तारीख तक, 24 से 27 तक आप क्या कीजिए, कोई सेकंड पेपर पढ़िए, कोई दूसरा पेपर पढ़िए या कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। जैसे मान लीजिए अगला पेपर अगर वो आपका कार्ड, तो आप क्या करें, चूंकि यूपी में है गया, तो आप क्या कीजिए, जो इसके बाद वाला जो पेपर हो, यानी जो थर्ड पेपर हो, आप उसको याद कीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करें, मान लीजिए वो भी पेपर अब आ जाए, तो अब जिस दिन वो पेपर होगा उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप क्या कर दीजिए, पूरा रिवाइज कर दीजिए, बाकी बच जाएगा 1-2 चैप्टर, वही फार्मूला उसमें भी अप्लाई कर लीजिए। सेम बात मैं बोलूंगा किसके लिए, इंटरमीडिएट के जो भी स्टूडेंट है, जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, वो ध्यान है, सिलेबस इनका बहुत लंबा होता है ना, तो
ऑलरेडी आप पहले से नहीं पढ़ चुके होंगे तो विश्वास मानिए दल दल में एकदम फंस जाएंगे दो घंटे तक, ठीक है ना। फिर भी मैं आपका जो उम्मीद है ना वो नहीं तोड़ूंगा, उम्मीद तो दुनिया कायम है, मेजोरिटी वर्ड में जीने की सबको आदत है। वैसा मैं बोलूंगा नहीं कि एक दिन में पढ़िए पूरा टैप कर देंगे, 90% आ जाएगा 95% आ जाएगा, मैं ऐसा सब यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस खराब होता है। आप वीडियो देखते हैं, चार्ज हो जाते हैं, बैठते हैं पढ़ने और सतर नहीं पाते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसका कोई सेंस बनता नहीं है ना। वही तरीका अपनाइए, आपको तैयार है ना, तो उसके लिए कोई और सब्जेक्ट पढ़िए और एक दिन पहले उसी सब्जेक्ट को जिसका पेपर है अगले दिन उसको रिवाइज कर लीजिए। यही तरीका अपनाइए सेम टू सेम यहाँ पर। अच्छा, अब जो जिनको काफी कम तैयार है ना, एवरेज या फिर बिलो एवरेज है, उनके लिए क्या कीजिए, देखिए बोर्ड का जो एग्जाम है ना, कोई भी बोर्ड हो उसमें ना क्वेश्चन जो है या टॉपिक जो फिक्स है, या तो इस टॉपिक से पूछेगा या तो इस टॉपिक से पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछेगा, फिक्स है क्वेश्चन, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो आसानी से जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप अपने टीचर से डिस्कस करके उसको पहले तैयार कर लें, चाहे आप टेंथ में या फिर इंटरव्यू में, आप उसको पहले तैयार कर लें, फिर क्या करें जो बचे उसके बाद कोई चीज तैयार करें। जैसे इंटरमीडिएट वाले जो फिजिक्स का पेपर है, तो फिजिक्स में पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो एक टॉपिक है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, हिंदी में जो विद्यार्थी है तो वैद्य दूरी के कारण उसकी अच्छी स्थिति और निरअच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो कैलकुलेट करना आता है। फिर टॉर्क किसी अगर विद्युत द्विध्रुव को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उस पर टॉर्क कैसे लगता है, ये भी इसका डेरिवेशन और उसके बारे में पूछता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही लगभग हर चैप्टर में ना, अगर उधर वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वो भी बड़ा फेमस है, वो बहुत पूछता है। ये जो सारे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सबको पता है, टीचर को ही पता है, आप पूछेंगे टीचर से, आपके किसी सीनियर को वो आपको गाइड कर देगा, है ना। तो आप उसको देखकर तैयार कर लें, और ये सब चीजें अगर तैयार हो गए, सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर ये तैयार हो गया तो जो बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन है आप तब उसको तैयार कर लीजिए। अगर आपकी पढ़ाई एवरेज है, तैयारी एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है तो आपके लिए ये तरीका, बाकी जो एवरेज से हल्का सा ऊपर है विद्यार्थी है फिर अच्छे से पढ़े उनके जो मैंने पहले ही बताया वो तरीका उनके लिए अप्लाई होगा। अच्छा ठीक है, तो देखिए ये बात कंप्लीट हो गई कि जो टाइम लेवल था इसके बारे में बात करिए। अब देखेंगे हम राइटिंग या फिर प्रेजेंटेशन, आखिर कैसे प्रेजेंट करें या कैसे लिखे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए जो कुछ भी इस पे आपको देखे स्क्रीन शॉट लेना चाहते स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ओके। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने सब तैयार कर लिया है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो किन किन बातों का ख्याल रखिए। देखिए पहला बात, अगर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिले है ना, तो 15 मिनट अलॉट होते हैं पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर कहिएगा उसपे लिखा होता है, तो 15 मिनट नहीं लगता है लगभग। आप चाहें तो 5-7 मिनट में ना कंप्लीट है ना एकदम कंप्लीट तैयार कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है सरसरी लिखा से 5-10 मिनट में पूरे पढ़ लीजिए, ठीक। उसके बाद कंडीशन ये हो सकता है, या तो आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, कुछ एक आध दो क्वेश्चन कम आ रहा होगा, या ये हो सकता है कि 15 में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा, या ऐसे हो सकता है कि 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं बाकी नहीं आ रहा, ठीक। तो तीनों के लिए तीन बातें हैं, अगर आपको सब कुछ आ रहा है एकदम सीक्वेंस में उठा के पूरा पेपर कर जाइए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए चले जाइए। अगर आपको 10 क्वेश्चन आ रहा है 15 में से तो क्या कीजिए, तभी भी आपसे रिवाइज कीजिए, लेकिन एक बात ख्याल रखिए, जहां वो क्वेश्चन होगा जो नहीं आ रहा होगा उसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा, उसको लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा उस पर टाइम खराब मत कीजिएगा, ये एक स्पेशल बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा अब मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करते रहे तो कॉपी जो मिलती है आपको ना कुछ ऐसे होती है उसका साइज, ठीक। तो देखिए जो हासिला है ना इधर, तो ये जो हासिला है ऊपर और इधर, ऊपर तो कोई लिखता है उस स्टूडेंट क्या करते हैं इधर भी लिखते, इधर मत लिखिए, इधर क्वेश्चन नंबर डालिए, ठीक है, और यहां से क्या लिखती है आंसर लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। इधर मत लिखिए, ये ऑफिशियल वर्क के लिए होता है, इधर नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। मार्किंग वगैरह होती है, डेली लोग मार्किंग करते हैं, इस बात का आपको ख्याल रखिए, है ना। टाइम मिलता है पहले आप लाइनिंग कर सकते हैं, लाइनिंग अक्सर नहीं होता है ना, लाइनिंग की वजह कुछ बच्चे मोड़ भी देते हैं, तो आप मोड़ कर भी आप काम चला सकते हैं। प्रेजेंटेशन में किन किन बातों का ख्याल रखिए, देखिए पहली चीज यहाँ पर लिखवाएं, पहली चीज जितना ज्यादा साफ लिखना हो
पॉसिबल हो आप लिखिए। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा जो साइन होते हैं है ना, जैसे खड़ी पाई है ना, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, कॉलन, कॉलन डैश है ना, हाइफन, जो भी साइन है मैक्सिमम साइन का यूज कीजिए, कॉमा, डबल इंवर्टेड कॉमा है ना, उद्धरण चिन्ह, द्विउद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, जो भी चिन्ह है सारे चिन्हों का प्रयोग कीजिए। ठीक, पैराग्राफ में लिखिए, जो बुलेट पॉइंट्स बनाना चाहे तो बुलेट पॉइंट्स लिखिए, बढ़िया एकदम, और हेडिंग डालिए और बोल्ड पेन से हेडिंग डालिए, 0.7 एमएम का पेन आता है उससे आप हेडिंग डालिए। ठीक है, इस बात का भी आप ख्याल रखिए, मतलब हेडिंग हो बोल्ड और हेडिंग को अंडरलाइन करते रहिए। और हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आप उस पैराग्राफ में लिखे उसको भी आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे सवाल आता है कि किस पेन का यूज करें, तो देखिए ब्लैक ब्लू का पेन आप यूज कीजिए है ना, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालिए और ब्लू पेन से क्या कीजिए लिखिए जो भी लिखना है आंसर। ओके, अच्छा अब क्या, अब और सारी बातें क्या ध्यान देना देना होता है, ध्यान देना ही होता है कि हर पेज के नीचे अगर आप अगले पेज पर कुछ लिखे हैं तो वीडियो लिखे, और यहाँ पर हो सके है ना तो आप अपना रोल नंबर जरूर लिखिए। ठीक है, हर एक पेज पे लिखते जाइए। ओके, ये थोड़ा सा सिक्योरिटी का काम करता है ना। अच्छा, अब मान लीजिए आप पेपर समय से पहले कर ले रहे हैं, 5-10 मिनट अगर टाइम बचे ना तो उसको फिर से पढ़ जाएंगे, जो गलतियां वहां पर सुधार कर दीजिए, जो चीजें अंडरलाइन करना हो अंडरलाइन कर दीजिए, जिसको सिंगल प्रिंट का काम करना हो सिंगल प्रिंट का काम कर दीजिए। राइटिंग के लिए बस इन्हीं सब बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बाकी चीजें जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, जो भी चीजें पूछना भी डाल दो है ना, और भी कोई आपको वीडियो चाहिए कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बना दीजिए तो बताइए आपको है ना। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।